हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अंशु गोयल। आज हम इस वीडियो में यूपी पीजीटी बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम हुआ है 2021 का, उसे सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इसमें मैच करना है फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कॉपरेशन जो होता है वो होता है लूज कनेक्शन इन विच बोथ स्पीसीज बेनिफिट। म्यूचुअलिज्म होता है क्लोज एसोसिएशन इन विच बोथ स्पीसीज बेनिफिट। और अमेंसलिज्म होता है वन स्पीसीज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर स्पीसीज बट डज नॉट फीड ऑन इट। एंड डी कमेंसलिज्म होता है क्लोज एसोसिएशन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेम शो सेकेंडरी ग्रोथ एंड वस्कुलर बंडल्स आर लेप्टोसेंट्रिक। तो वैसे तो सेकेंडरी ग्रोथ जो सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं वो डाइकोट शो करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, रेटिना। नेक्स्ट, विच स्टेज ऑफ पुसेनिया इज फाउंड ऑन इट्स अल्टरनेटिव होस्ट। इसका आंसर हो जाएगा बेसिडियस फोर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। इसका आंसर हो जाएगा टी टू फेज, बाकी सब में आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में। नेक्स्ट, लाइन ऑफ ग्रोथ फाउंड ऑन द सेल ऑफ पाइला इज कॉल्ड। तो इसे कहते हैं सूचर्स। नेक्स्ट, रेंडियर मोस इज, रेंडियर मोस क्या है एग्जाम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लेडोनिया रेंगिफेरा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस प्रोसीड फ्रॉम सी टर्मिनल टू एन टर्मिनल, जबकि वो सी टर्मिनल टू एन टर्मिनल नहीं बल्कि उल्टा उल्टे डायरेक्शन, यानी कि एन टू सी टर्मिनल प्रोसीड करता है। नेक्स्ट, हाउ इज इट डैट टीनिया एस्केप डाइजेशन बाय द एंजाइम्स ऑफ होस्ट, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। मतलब कि इसमें क्वेश्चन ने ये पूछा है कि टीनिया ऑल दो इंटेस्टाइन में रहता है लेकिन उसके बाद भी हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, एल्केलाइन म्यूकोपॉलीसेक्राइड। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट अ फॉसिल टाइप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसल्ट। नेक्स्ट, द जेनेटिक कोड इज कॉल्ड डिजेनरेट कोड क्यों कहा जाता है जेनेटिक कोड को, क्योंकि मोर देन वन कोडन हैज द सेम मीनिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। डीएनए टू आरएनए को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए टू प्रोटीन को ट्रांसलेशन। विच वन इज करेक्टली पेयर्ड, इसमें से कौन सा करेक्टली पेयर्ड है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, शीशम डेलबर्गिया। नेक्स्ट, द न्यू वेराइटीज ऑफ अ स्पीसीज आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, माइक्रो एवोल्यूशन। नेक्स्ट, द बायनोमियल सिस्टम ऑफ केरलस लिनियस वाज डिवाइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फाइलम एंड फैमिली। नेक्स्ट, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये इथाइलिन है, इथाइलिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट, लैक इंसेक्ट फीड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट, इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। नेक्स्ट, पाइनस प्रोटेक्ट इट्सेल्फ फ्रॉम माइक्रोबियल एंड इंसेक्ट अटैक थ्रू, इसका आंसर हो जाएगा डी, रेजिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल फॉर्मूला इज ऑफ फैमिली रोजेसी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज पॉइजनस, इनमें से कौन सा एनिमल पॉइजनस है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल ग्रुप्स हैज सेप्टेड हाइफा एंड प्रोड्यूसेस एसेक्सुअली, रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बडिंग, कोनिडिया एंड फ्रेगमेंटेशन, इसका आंसर हो जाएगा. इसका आंसर वैसे एस्कोमाइसिटीज होता है जो इसमें दे रखा है, लेकिन इसमें एस्कोमाइसिटी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्लोमेरुलो माइकोटा. नेक्स्ट, हाउ मेनी सोमेट्स आर प्रेजेंट इन हिरुडिनेरिया, तो लीच में कितने सोमेट्स प्रेजेंट होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी 33. नेक्स्ट, कॉलीफ्लावर कैबिज नोल खोल एंड टर्निप बिलोंग टू हाउ मेनी जनरा, तो ये सारे एक ही जनरा से बिलोंग करते हैं, तो जाएगा वन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज एन एनड्रोमस फिश, इसमें से एनड्रोमस फिश कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हिल्सा. नेक्स्ट, विच वन इज नॉट करेक्टली मैश्ड, इसमें से कौन सा करेक्टली मैश्ड नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए कॉटन फ्रूट फाइबर, क्योंकि कॉटन फ्रूट फाइबर नहीं सीड फाइबर होते हैं. नेक्स्ट, इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंपॉर्टेंट वाइल्ड एनिमल्स हैव बीन प्लेस्ड इन, तो इंपॉर्टेंट वाइल्ड एनिमल्स कितने शेड्यूल्स में प्लेस किए गए थे, तो करेक्ट आंसर इज डी 6 शेड्यूल्स. नेक्स्ट, द टीथ आर रिप्लेस बाय अ हॉर्नी बीक इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए रिंकोसिफेलिया में. नेक्स्ट, रिटॉर्ट शेप्ड सेल्स आर फाउंड इन, रिटॉर्ट शेप्ड सेल किसमें पाए जाते हैं, स्पेग्नम में. चैपराल अकर्स इन वन ऑफ द एरियाज, चैपराल कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मेडिटेरियन एरिया. नेक्स्ट, रेगुलर एक्सरसाइज कैन इंक्रीज द साइज ऑफ मसल्स बाय 60%, दिस इज मेनली द रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन, तो मसल्स का जो साइज इंक्रीज कर देती है साइज 60%, ये क्यों इंक्रीज होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि मसल सेल्स का डायमीटर भी इंक्रीज होता है, नंबर्स भी इंक्रीज होते हैं, और जो मायोफाइबल्स होते हैं मसल सेल्स के अंदर वो भी इंक्रीज होते हैं, उनका नंबर भी. नेक्स्ट, क्लोराइड सिक्रेटिंग सेल्स ऑफ फिशेज आर फाउंड इन देयर, तो क्लोराइड सिक्रेटिंग सेल्स कहाँ मिलते हैं, गिल्स में. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियंस द फर्टिलाइज एग डेवलप इन द स्टोमच ऑफ द फीमेल एंड लिटिल फ्रॉक्स कम आउट ऑफ इट्स माउथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी रियोबैट्रिकस में. नेक्स्ट, इन अ डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इफ पेरेंटल टाइप्स एक्सीड द रिकॉम्बिनेंट टाइप्स अमंग द रिजल्ट इन प्रोजेनी, इट इज ड्यू टू, अब इसमें बोल रहा है कि पेरेंटल टाइप जो हैं वो ज़्यादा हैं रिकॉम्बिनेंट से, अगर ये बोलता है कि रिकॉम्बिनेंट्स बिल्कुल भी नहीं है और पेरेंटल सबसे ज़्यादा है तो जाता कंप्लीट लिंकेज, क्योंकि कंप्लीट लिंक्ड है तो रिकॉम्बिनेंट बनेंगे ही नहीं, तो इसमें बोल रहा है कि पेरेंटल टाइप ज़्यादा हैं रिकॉम्बिनेंट से, लेकिन रिकॉम्बिनेंट भी हैं थोड़े से हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए लिंकेज. नेक्स्ट, मोनोजीनियन एक्टोपैरासाइट ऑफ फिश आर पर्टिकुलरली फाउंड ऑन देयर, तो कहाँ पाए जाते हैं, गिल्स में. नेक्स्ट, इन पैलेमोन द हैस्टेड प्लेट इज फाउंड ऑन द डैश साइड ऑफ कार्डिक स्टोमच, तो किस साइड पे मिलता है, वेंट्रल. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैश्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैश्ड नहीं है, फ्रॉग टीलोलिसाइथेलेक्स, इंसेक्ट सेंट्रोलिसाइथेलेक्स, मैमल माइक्रोलिसाइथेलेक्स एंड डी बर्ड्स पॉलीलिसाइथेलेक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी मैमल्स, मैमल से माइक्रोसैटेलाइट नहीं पाए जाते हैं. नेक्स्ट, स्निग्रिन इज प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, स्निग्रिन किस में प्रेजेंट होते हैं, द करेक्ट आंसर इज ब्रैसिकेसी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनहांसेस द फ्लेवर ऑफ फूड, इसमें से कौन सा फूड का फ्लेवर एनहांस करता है, इसका आंसर हो जाएगा डी मोनोसोडियम ग्लूटामेट. नेक्स्ट, द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज, तो पैरामीशियम का माइक्रोन्यूक्लियस कैसा होता है, करेक्ट आंसर इज डिप्लॉइड. नेक्स्ट, कॉपर डेफिशिएंसी लीड्स टू, कॉपर की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, तो करेक्ट आंसर इज एक्सेंथिमा. नेक्स्ट,
द टर्म सिंगल सेल प्रोटीन रेफर्स टू, सिंगल सेल प्रोटीन टर्म इसका क्या मतलब है? द करेक्ट आंसर इज सी, प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम द लार्ज स्केल ग्रोथ ऑफ एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया. नेक्स्ट, नाइट्रोजनस एंड मेटाबॉलिक वेस्टेज आर स्टोर्ड इन द, नाइट्रोजनस और मेटाबॉलिक वेस्ट कहाँ स्टोर होते हैं? द करेक्ट आंसर इज बी, एलेंटॉइस. नेक्स्ट, द लार्वल लाइफ ऑफ बॉम्बिक्स मोरी लास्ट फॉर, तो वैसे तो लार्वल लाइफ जो होती है वो 27 डेज तक लास्ट करती है, लेकिन इसमें 27 ऑप्शन नहीं है, तो हम 27 के अप्रॉक्स जो आंसर आ रहा है जैसे 32, तो 32 पे सेलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट, कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ योक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ योक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, द एग्स ऑफ फ्रॉग आर, फ्रॉग के एग कैसे होते हैं? करेक्ट आंसर इज मीजल साइथल एंड टेरल साइथल. ये क्वेश्चन UPTGT का जो एग्जाम हुआ था 2021 का, उसमें भी आया था. नेक्स्ट, एट रेगुलर इंटरवल्स द हार्ट बीट इज रिवर्स्ड इन, करेक्ट आंसर इज इस क्वेश्चन में एक्चुअली इन दोनों में तो हर्ट नहीं पाया जाता है सच, लेकिन स्कॉलिडोन और यूरोमेक्सिक्स में कन्फ्यूजन है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा. नेक्स्ट, द सोरस ऑफ ड्राइप्टेरिस इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मिक्स टाइप. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म फाइला प्रोड्यूसेस मोटाइल जर्म्स, बियर्स ओव्यूलेट एंड माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन्स ऑन सेपरेट प्लांट्स एंड हैज फ्लैशी कोटेड सीड. तो ये जो करेक्टर्स इसमें शो किए गए हैं वो किससे हैं, वो किसके किसके करेक्टर्स हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, साइकेडो फाइटा. नेक्स्ट, फेजेस विच सो लाइसोजेनिक साइकिल आर कॉल्ड, लाइसोजेनिक साइकिल जो फेज शो करती है उसको कहते हैं टेम्परेट फेज. नेक्स्ट, द ओरिजिनल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म वाज ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल पीरियड, तो ओरिजिन और डाइवर्सिफिकेशन कब हुआ था एंजियोस्पर्म का? ये हुआ था क्रिटेशियस टाइम पे. नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग विच सेस्टूड इज प्रोटोएंड्रसली हर्मोफ्रोडाइट, करेक्ट आंसर इज द वेलमन ऑफ ऑर्चिड रूट इज ड्राइव फ्रॉम द, इसका आंसर जाएगा डर्मेटोजन ऑफ रूट. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्स, ऑप्शंस हैं मतलब इसके स्टेटमेंट ये रखे हैं, इट इज कॉज बाय रेट्रोवायरस HIV, इट रेप्लिकेट्स विद इन T4 लिम्फोसाइट्स, एलाइजा टेस्ट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ वायरस पार्टिकल्स और इट मे रिमेन डोरमेंट फॉर 6 ईयर्स. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 and 3 आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द 3 pairs ऑफ अपेंडेजेस फाउंड इन न्यूपलस लार्वा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ एंटीना एंड मैंडिबल्स आर बायरेमस. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोएंजाइम इज फर्स्ट कन्वर्ट टू एक्टिव एंजाइम बाय एंटेरोकाइनेस एंड देन बाय ऑटोकैटालिसिस, तो ट्रिप्सिनोजिन जो है ये एंटेरोकाइनेस के थ्रू ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है. नेक्स्ट, द एंटी ट्रांसपेरेंट आर, इसमें से कौन सा एंटी ट्रांसपेरेंट है? इसका आंसर हो जाएगा ए, PMA यानी कि फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट द एक्सोक्रेन पेनक्रियाज, इसमें से कौन सा एक्सोक्रेन पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है? तो करेक्ट आंसर इज ए, सीक्रेटिन एंड पेनक्रियोजामिन. नेक्स्ट, डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटेट ओवर द टोटल लैंडस्केप और ज्योग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं गामा डाइवर्सिटी. नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ साइकस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मोनोसियस, क्योंकि ये डायसिस होते हैं. इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आर सेम इन F2 जनरेशन, दोनों फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या होते हैं F2 जनरेशन में? 1:1:2:1. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्लेटी हेलमिंट्स, क्योंकि प्लेटी हेलमिंट्स जो होते हैं वो एसीलोमेट नहीं
सीडोसिलोमीट्स होते हैं। नेक्स्ट, एपिगाइनस फ्लावर्स आर फाउंड इन, एपिगाइनस फ्लावर किसमें पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कुकुरबिटा। नेक्स्ट, फिलेरिया इज डायग्नोज बाय द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो फिलेरिया इन ह्यूमन ब्लड, फॉर दिस द ब्लड सैंपल इज टेकन, तो ब्लड सैंपल किस टाइम पे लेना चाहिए, रात में लेना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिटवीन 10 PM एंड 4 AM इन द नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इफ एन एक्टिन इनहिबिटिंग ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू एन अमीबा इट्स मूवमेंट पिन, तो इसका मूवमेंट कैसे, अगर हम एक्टिन इनहिबिटिंग ड्रग डाल देंगे अमीबा पे, तो इसका मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा इंस्टेंटली। नेक्स्ट, इन सर्टिन प्लांट्स द मैकेनिज्म वेयर टाइमिंग ऑफ एंथोडाइसिस एंड सिस्टिग्मा रिसेप्टिविटी डू नॉट कंसाइड टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, तो इसको क्या बोलते हैं, इस मैकेनिज्म को डाइकोगैमी। नेक्स्ट, इन फोनेरिया कैलिप्टा इज ड्राइव फ्रॉम, फोनेरिया में कैलिप्टा किसे ड्राइव करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्चिगोनियम। नेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ ओबेलिया कॉलोनी इज ऑफ, ओबेलिया कॉलोनी की जो ग्रोथ होती है वो किस टाइप की होती है, रेसमोस टाइप की। नेक्स्ट, चीफ फंक्शन ऑफ पेडिसलेरिया इन स्टारफिश इज, इसका आंसर होगा क्लेंजिंग। बर्ड्स आर कैपेबल ऑफ रिमूविंग ड्यूरिंग इंस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा या फिर मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन कर दूंगी। नेक्स्ट, एलिवेल सॉल्स आर फाउंड इन विच रीजन, एलिवेल सॉल्स किस रीजन में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गैंगेटिक जमुना प्लेन्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द स्नेक फाउंड इन इंडिया इज नॉन पॉइजनस, तो इसका आंसर हो जाएगा बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर, क्योंकि बाकी सारे पॉइजनस स्नेक हैं। ट्रिपेनोसोमा इज पॉलीमॉर्फिक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज लैक्स अ फ्लैजलम, इसमें से कौन सी स्टेज है ट्रिपेनोसोमा की जिसमें फ्लैजला नहीं होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीशमैनियल। नेक्स्ट, क्लीवेज इन एम्फियोक्सिस इज, एम्फियोक्सिस में किस टाइप का क्लीवेज पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर इज होलोब्लास्टिक एंड इक्वल। नेक्स्ट, इन प्रोफेज ऑफ म्योसिस काइजमाटा आर फॉर्म ड्यू टू, काइजमाटा किसकी वजह से बनते हैं, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट, सेंट्रिपिटल जाइलम इज प्रेजेंट इन, सेंट्रिपिटल जाइलम किसमें पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर इज डाइकॉट रूट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा इट कंटेन्स ओनली कॉपर, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉपर नहीं होता, कॉपर के अलावा आयरन भी होता है और जिंक और मैग्नीशियम भी बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, पीसीओ साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, पीसीओ साइकिल को और किस नाम से जाना जाता है, सीटो साइकिल। नेक्स्ट, एचडीएस इज इक्वल टू 0.61 लैम्डा अपॉन एनडीएस साइन थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ, ये किसका फॉर्मूला है, ये रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट, प्रोटीन केराटिन इज नॉट फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा फिश। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज लार्जेस्ट, ये जाएगा सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल कौन सा होता है, IgM। नेक्स्ट, हॉर्सशू शेप्ड ओव्यूल इज, हॉर्सशू शेप्ड ओव्यूल कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एम्फीट्रोफस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैश्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैश नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एपिस्टेटिक जीन स्टिमुलेटिंग द एक्शन ऑफ अनदर जीन, क्योंकि स्टिमुलेट नहीं करता है, ये डिटरमाइन करता है कि कोई भी जो ट्रेट है वो एक्सप्रेस होगा या फिर नहीं। नेक्स्ट, सीड्स हैविंग लॉन्गेस्ट वायबिलिटी बिलोंग टू, तो सबसे ज़्यादा वायबिलिटी जो जिस सीड की होती है वो ल्यूपिनस से बिलोंग करता है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिकेंट इज फाउंड इन हाइड्रोस्फेयर, कौन सा टॉक्सिकेंट पाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज डिटर्जेंट्स. नेक्स्ट, अ ट्यूमर लाइक टिश्यू ऑफ थिन वॉल सेल डेवलपिंग ओवर द वाउंड इज कॉल्ड, इसका आंसर हो जाएगा बी गॉल. नेक्स्ट, विच वन इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, तो रस सिस्टम का जो इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट कौन है? जे जे सेल्स. नेक्स्ट, अ सैम्पल ऑफ 10 पीपल्स हैव द फॉलोइंग वरी टेम्परेचर्स, कुछ टेम्परेचर्स दिए हुए हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ए 2.65 डिग्री सेल्सियस. इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमने वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड किया है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में इसका सॉल्यूशन दे रखा है, मतलब इसका सॉल्यूशन जो है समझाया गया है, आप उसे देख लीजिएगा. नेक्स्ट, द स्टेन और सीन इज ऑप्टेन फ्रॉम द थैलस ऑफ, ये किससे ऑप्टेन होती है? इसका आंसर हो जाएगा रोसेला स्पीसीज. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फूड बॉर्न टॉक्सिन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉटुलिनम टॉक्सिन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा हार्मोन जो है करेक्टली मैच नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी रेनिन, क्योंकि ये जो रेनिन है ये वाला ये रेनिन तो जो किडनी में पाया जाता है वो होता है, जो स्टोमच में पाया जाता है इन्फेंट्स में उसमें RENN आता है रेनिन. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एंथर इन एंजियोस्पर्म्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यूस्पोरेंजिएट. नेक्स्ट, द टर्म्स लोटिक एंड लेंटिक रेफर्स टू, लोटिक और लेंटिक टर्म्स किसके लिए रेफर किए जाते हैं? तो इसके लिए रेफर किए जाते हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट. नेक्स्ट, एपोकार्पस कंडीशन अकर्स इन, एपोकार्पस कंडीशन किसने पाई जाती है? रेनिकुलेसी में. नेक्स्ट, काइलोराइजी किसमें पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्पेरेगस. नेक्स्ट, द टेंडल शो, टेंडल्स जो होते हैं वो कौन सा मूवमेंट शो करते हैं? हेप्टोट्रोपिज्म, उन्हें टच करो तो वो मूवमेंट करते हैं. नेक्स्ट, लीफलेस स्टेम ऑफ ओनियन विच प्रोड्यूसेस फ्लावर्स इज कॉल्ड, स्किप. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमिटेड इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसमें से कौन सा परमिट होता है? हंटिंग ऑफ एनिमल्स नहीं, हंटिंग तो परमिट ही नहीं है, कटिंग ऑफ ट्रीज भी नहीं, ग्रेजिंग ऑफ कैटल्स और कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स फायरवुड एंड मेडिसिनल प्लांट्स, तो ये काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं, तो इनमें सिर्फ कलेक्शन अलाउ होता है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल टाइम स्केल विच वन इज द ओल्डेस्ट पीरियड अमंग द फॉलोइंग, तो सबसे ओल्डेस्ट इनमें से जो चार ऑप्शन दे रखे हैं सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है इनमें से? कैम्ब्रियन. नेक्स्ट, द फेनोमेना ऑफ बेरेटाइली इज एग्जिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, तो बेरेटाइली किसके द्वारा एग्जिबिट की जाती है? बी लैटिमेरिया. नेक्स्ट, हेलोफाइटिक फर्न इज, हेलोफाइटिक फर्न कैसे होते हैं? द करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ट्रीज इज सीन इन, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ट्रीज किसमें पाया जाता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ट्रीज. नेक्स्ट, क्रैब्स हेंसलिट साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इसे और क्या किस नाम से जाना जाता है? यूए साइकिल. नेक्स्ट, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज इनकम्प्लीट इन, तो हर्ट में जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वो किस में एबसेंट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोमैस्टिस. बाकी ये तो बर्ड्स है, ये मैमल्स है, तो इसमें तो कंप्लीट हर्ट पाया जाता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ द एल्गल ग्रुप विद इट्स फूड रिजर्व, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें क्लोरोफाइसी में जो होता है स्टार्च होता है रिजर्व फूड, और फेओफाइसी जो होता है इसमें मैनेंटोल होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, विच पेयर इज करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी कैपिरेडिसी में एंड्रोफोर पाए जाते हैं. नेक्स्ट,
ड्यूरिंग इट इट्स एंटायर लाइफ द क्वीन बी कॉपरेट्स, तो क्वीन बी जो होती है वो सिर्फ एक ही बार कॉपरेट करती है अपनी एंटायर लाइफ में. नेक्स्ट, द प्रोसेस वेयर बैक्टीरियल जीन आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट इज एज पार्ट ऑफ सेक्स फैक्टर टर्म्ड एज, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेक्स ट्रांजिशन. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बोवर एंड गूबल राइजोफोर ऑफ सेलेजनेलाइज एन ऑर्गन स्वी जेनरिस. नेक्स्ट, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं इन विवो जर्मिनेशन. नेक्स्ट, द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन ऑफ एन एनिमल इज इक्वल टू एक्स एट 0 degree Celsius. इफ Q10 इज इक्वल टू 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर द रेट विल बी 8x. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं. एक तो हम पूरे मतलब कि पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन फॉर्मूले वैल्यूज पुट करके, और एक ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले 2 था और 2 से अब 8x हो गया है. Q10 की वैल्यू 2 दे रखी है लेकिन पहले x था और ये अब 8x हो गया है. तो 2 की पावर 3 8 होती है, यानी कि 3 टाइम्स बढ़ गया है. तो एक बार में जो है कितना बढ़ता है, 10 degree Celsius बढ़ता है, तो 3 टाइम्स में कितना बढ़ेगा, 30 degree Celsius. और अगर आपको इसका पूरा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन देखना है तो वीडियो के एंड में हमने प्रोवाइड किया है, आप वहाँ पे वीडियो को एंड में जाके देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन. नेक्स्ट, फीडिंग इन स्पोरोजोआ इज, स्पोरोजोआ में फीडिंग कैसी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाय माइक्रोपोर्स. नेक्स्ट, इन अर्थमेटिक एवरेज द मीनिंग ऑफ सिग्मा इज, सिग्मा मतलब होता है समेशन, तो सी. नेक्स्ट, एन एल्गा हैविंग क्लोरोफिल ए फ्लोरिनिन स्टार्च एज स्टोरेज प्रोडक्ट एंड लैकिंग फ्लैजुलेट सेल्स बिलोंग टू द क्लास, तो फ्लोरिनिन स्टार्च जो होता है वो स्टोरेज प्रोडक्ट की तरह किसे पाया जाता है, लोडोफाइसी में. नेक्स्ट, फाइब्रस बैंड प्रेजेंट इन एंडोथीसियम ऑफ एंथर वॉल इज मेड अप ऑफ, किसके बने होते हैं, अल्फा सेलुलोज के. नेक्स्ट, विच वन इज द मोस्ट प्रिमिटिव अमॉन्ग द फॉलोइंग इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल, सबसे ज्यादा प्रिमिटिव कौन सा है इसमें से, फ्लोटम. नेक्स्ट, ऑक्सोस्पोर्स आर फाउंड इन, ऑक्सोस्पोर्स किस में पाए जाते हैं, तो ऑक्सोस्पोर्स जो बेसिकली राइटम्स में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी बेसिलेरियोफाइसी. नेक्स्ट, पॉलीजोम कंटेन्स, पॉलीजोम में क्या होता है, राइबोसोम एंड mRNA. प्लेसेंटा इन ह्यूमन्स, ह्यूमन्स में जो प्लेसेंटा पाया जाता है वो किस टाइप का पाया जाता है, तो पाया जाता है कोरियोनिक, मोनोडिस्कॉइडल और हीमोकोरियल. नेक्स्ट, इन ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वायरोलेंट स्ट्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज, वायरोलेंट स्ट्रेन को क्या कहा गया था, एस स्ट्रेन. नेक्स्ट, लोमेजोम रिप्रेजेंट, लोमेजोम क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. नेक्स्ट, विच वन इज द फंगल डिजीज ऑफ प्लांट, तो इसमें से कौन सी फंगल डिजीज है, ये एप्पल स्कैब. ओनली स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स आर फाउंड इन, स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स किस में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पीलिया. नेक्स्ट, अ प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं पाया जाता है, हिस्टोन यूनिट्स, DNA, साइटोस्केलेटन और सब सेलुलर ऑर्गेनल्स, तो ऑल ऑफ द अबव, इसमें ये तीनों नहीं पाए जाते हैं. नेक्स्ट, विच वन इज फाउंड इन एंडोस्पोर ऑफ बैक्टीरिया नॉट इन वेजिटेटिव सेल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी डिपिगोलिनिक एसिड. वन स्पीसीज इनिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर स्पीसीज बट डज नॉट फीड ऑन इट, तो इसमें जो है नेगेटिव और जीरो का रिलेशन बताया गया है, तो ये हो जाएगा एमेंसलिज्म. नेक्स्ट, वीड्स ऑफ फिश पॉन्ड हैविंग फ्राय इज रिमूव्ड बाय, तो किसके द्वारा रिमूव किए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर इज मैकेनिकल अपरूटिंग. तो अभी इसमें दो क्वेश्चंस बचे हैं जो कि थोड़े न्यूमेरिकल बेस्ड थे, तो उनके सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 86 का सॉल्यूशन देखेंगे. इसमें दे रखा है कि 10 पीपल्स के बॉडी टेम्परेचर के सैंपल्स दे रखे हैं और हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. तो
स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सिग्मा इज इक्वल टू रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, और ये एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, जहाँ पे एन है टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। जैसे यहाँ पे 10 है तो एन क्यूर हो जाएगी 10। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले स्टेप होता है, सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए एक्स बार इज इक्वल टू ये जितने भी हैं उनको सम करके अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। तो टोटल नंबर सैंपल 10 है तो हम लिखेंगे 36 प्लस 34 प्लस 41 प्लस 39 प्लस 37 प्लस 43 प्लस 36 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 39 और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं 10। तो ये हो जाएगा, इनको इसको सम करेंगे तो ये आ जाएगा 383। तो 383 अपॉन 10 तो ये आ जाएगा 38.3। तो अब इसका एक्स बार की वैल्यू आ गई है 38.3। अब हम क्या करेंगे, अब हम डी की वैल्यू निकालने के लिए इनको टेबलर फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो हम टेबल बनाएंगे, सबसे पहले एक लिखेंगे x, फिर लिखेंगे d, और d होता है x माइनस x बार, और यहाँ पे आ जाएगा d स्क्वायर। तो हम ये जो वैल्यूज दे रखी थी उसको x में पुट करेंगे तो हो जाएगा 36 34 41 39 37 43 36 37 41 और 39। अब D होता है X माइनस X बार, तो ये x है और x बार की वैल्यू अभी हमने निकाली थी कितनी थी 38.3, तो हम इसमें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2.3, ये हो जाएगा माइनस 4.3, ये हो जाएगा 2.7, ये हो जाएगा 0.7, ये हो जाएगा माइनस 1.3, ये हो जाएगा 4.7, ये हो जाएगा माइनस 2.3, ये हो जाएगा माइनस 1.3, ये हो जाएगा 2.7 और ये हो जाएगा 0.7। डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 5.29, ये हो जाएगा 18.49। आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेना, ये जो डी की वैल्यू है इसको सिर्फ स्क्वायर करना है। और डी की वैल्यू आपको समझ आ गई कैसे आई है, एक्स माइनस एक्स बार यानी कि जो एक्स ही वैल्यूज दे रखी थी इसमें से माइनस कर देना है मीन वैल्यू को, ये जो 38.3 है इसको। तो इसे सॉल्व करेंगे तब आएगा 7.29, 0.49, 1.69, 22.09, 5.29, 1.69, 7.29 एंड 0.49। तो ये डी स्क्वायर जो है, डी स्क्वायर सिग्मा डी स्क्वायर इन सबको हम, ये जो पूरा है इनको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 70.1। अब हम
क्या करेंगे, सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी रूट में सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, तो ये जाएगा रूट में 70.1 अपॉन एन, सॉरी ये एन स्क्वायर नहीं होगा, ये सिर्फ एन होगा, तो एन की वैल्यू जाएगी 10। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट में 7.01, और 7.01 रूट में किसकी वैल्यू होती है 2.65 की, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए 2.65 हो जाएगा। और इसको इसका जो सॉल्यूशन, मतलब ये जो अभी इसमें तो इतना क्लियर नहीं है, मैं आपको एक इसको बता देती हूँ कि मतलब क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी, तो ताकि आप जब भी सॉल्व करें तो आप मैच कर सकें और आपको समझ आ जाए। तो इसकी जो वैल्यूज़ होंगी या फिर जो सॉल्यूशन इसका होगा वो ये होगा। तो क्वेश्चन नंबर 109 इसमें दे रखा है द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन ऑफ एन एनिमल इज इक्वल टू एक्स एट 0°C इफ Q10 इज इक्वल टू 2 एट विच आर द फॉलोइंग टेम्परेचर द रेट विल बी 8x। तो इसमें जो है T1 दे रखा है 0°C, R1 दे रखा है रेट एक्स, और Q10 की वैल्यू दे रखी है 2। हमें T2 निकालना है और R2 की वैल्यू दे रखी है 8x। तो Q10 की जो वैल्यू होती है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है Q10 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 और इसकी पावर 10 अपॉन T2 माइनस T1। तो अब इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो Q10 की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 यानी कि 8x अपॉन x की पावर x और 10 अपॉन T2 हमें निकालना है, माइनस T1 है 0। ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 8 10 अपॉन T2 पावर में, तो ये हो जाएगा। अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन टी लॉग 8, तो ये हो जाएगा लॉग 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन T2 लॉग 2 की पावर 3, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा ये लॉग आपको पता होगी लॉग m की पावर n क्या होता है n लॉग m, तो ये हो जाएगा लॉग 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन T2 3 लॉग 2, लॉग 2 से लॉग 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 यानी कि T2 आ जाएगा 30°C। तो इसका सॉल्यूशन जो है ये होगा, देख लीजिए आप। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना है या फिर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।